वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम बेस 10 टू 5 सिस्टम एंड फ्रॉम बेस 5 टू 10 सिस्टम। ठीक है जी, हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर अब कॉपी कर लेता हूँ। यह है जी कि कन्वर्ट 89,651 इनटू एन इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 5, मतलब ये नंबर जो लिखा हुआ है ये सब बेस 10 में है, डेसिमल सिस्टम में, इसको हमने बेस 5 के सिस्टम में लाना है। इसका मतलब कि इस नंबर को मैं एक डिविडेंड के तौर पे रखूंगा और मेरा जो डिवाइजर होगा वो फिक जो है वो 5 होगा। ठीक है, तो हम 5 यहाँ लिख लेंगे डिवाइजर के तौर पर और 89,651 को डिविडेंड के तौर पर रखेंगे। अब इसका रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहले 89,651 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं, जैसे पहला डिजिट है 8, 5 1 से मल्टीप्लाई हो तो 5 आता है और इन दोनों डिजिट नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। फिर इस 9 को हम डाउन ले आएंगे, 39 हो जाएगा। 5 के टेबल में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस आ जाएगा 4। फिर इस 6 को डाउन ले आएंगे, ये 46 बन गया। अब 5 को 9 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 45 आता है और इनका जो डिफरेंस है यानी रिमाइंडर है वो 1 आया और ये 5 से मतलब लेस आया है। ठीक है, इसका मतलब कि हम ठीक चल रहे हैं। फिर इसके बाद इस 5 को डाउन ले आएंगे, ये 15 बना, तो 5 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया और फिर लास्ट में जो 1 लिखा हुआ है इसको हम डाउन ले आएंगे, ये 1 आ गया। तो इस तरह 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आता है और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 आया। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये क्वेश्चन है ये अब यहाँ पर लिखा जाएगा 17930, जबकि जो डिवाइजर है सॉरी जो रिमाइंडर है 1, इसको हम यहाँ लिखेंगे। डिवाइजर इसमें 5 ही रहेगा। अब चूंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, क्वेश्चन जो है 5 से बड़ा है, इसलिए इसको मजीद अभी डिवाइड किया जाएगा। तो अब हम जो ये नंबर आया है 17930, इसको रखेंगे डिविडेंड के तौर पर, 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है और 17 और 15 का डिफरेंस है 2 का। फिर इस 9 को डाउन ले आएंगे, 29। 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 25 आता है और 29 25 का डिफरेंस आ गया 4। फिर इस 3 को हम डाउन ले आएंगे, 43। 5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 आता है और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। फिर इस 0 को हम डाउन ले आएंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 आता है और इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 0। इसका मतलब अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3586 और रिमाइंडर है 0, ये आ गया। अब चूंकि अभी भी नंबर ये 5 से ग्रेटर है तो हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो ये बाकी जो रफ वर्क है इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम मजीद रफ वर्क कर सकें। तो देखें, अब हम 3586 को ब्रैकेट में लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 7 टाइम होता है 35, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0। फिर 8 को डाउन लेके आएंगे, ये 8 ही बन जाएगा। 5 1 टाइम 5, 8 का 5 से डिफरेंस लिया जाएगा 3 आ गया। फिर 6 को डाउन करेंगे 36 बनेगा और 5 7 से मल्टीप्लाई होकर 35, तो 35 और 36 का डिफरेंस ये 1 आया। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है वो 717 है जबकि रिमाइंडर जो है हमारा वो 1 है, यह आ जाएगा इस तरह से। फिर अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो मैंने इसकी इसका रफ वर्क किया हुआ कैलकुलेटर से, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 143 से तो मेरा आंसर आता है 715। इसका मतलब कि 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा और मैंने मल्टीप्लाई किया था 143 से। मजीद जब मैं 143 को 5 पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मतलब यहाँ पर इस तरह से है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मतलब आपको मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है वो 28 आता है तो रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर 28 आएगा। इसी तरह फिर यहाँ पर अगर हम मजीद डिवाइड करते हैं तो 5 5 टाइम होता है 25। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा और 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा और लास्ट में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 टाइम 5 और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब ये नंबर हम जो लिखना शुरू करेंगे इसके डिजिट्स को, उसकी जो तरतीब होगी वो यहाँ से होगी, मतलब इस क्वेश्चन से हमने फर्स्ट रिमाइंडर की तरफ जाना है। तो कहने का मकसद है जो 89,651 है विद बेस 10, ये बेस 5 में किसके इक्वल आएगा, 1 जो होगा वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 आएगा, फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है,
तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है ये यूनिट प्लेस का डिजिट है, 5 पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 पावर 1 से, ये 5 पावर 2 से, इसी तरह ये 5 पावर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 से. तो ये नंबर इस तरह से हमारा जो है बेस 5 सिस्टम में आ गया है. अब अगर बेस 5 से 10 में लाना होगा तो जिस प्लेस पे ये डिजिट आया हुआ है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके, इन अलग अलग मतलब हर डिजिट उस नंबर से मल्टीप्लाई होके ऐड कर देंगे तो वापस हम बेस 10 में आ जाएंगे, जिसको कि मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया हुआ है. आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और फिर इस नंबर को आप बेस 10 में ले आइएगा.